लड़की की ना में ही हाँ है। मुझे नहीं पता कि ये लाइन आपने कहाँ सुनी है, पर मैं ये आपको लिख के दे सकता हूँ कि ये लाइन आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होगी। मूवीज़ हों, डेली सोप्स हों, हर जगह सिर्फ यही दिखाया जाता है कि अगर लड़की रेडी नहीं है और आपने उसे प्रपोज किया है तो पीछे पड़े रहिए, वो रेडी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये लाइन किसी रामायण या गीता में लिखी हुई है, ये लाइन तो हमें हमारे प्यारे बॉलीवुड ने दी है, ये उसका वरदान है हम पर। मुझे नहीं पता आपको ये एहसास हुआ है कि नहीं, पर ये इंडस्ट्री डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ एक शो के बारे में जो बच्चों से लेके बूढ़ों तक में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसका नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये शो एक अच्छा शो है, एंटरटेनिंग है और काफ़ी लोगों के लिए ये स्ट्रेस बस्टर है। यूजुअली मैं इस शो को एंजॉय करता था काफ़ी सालों पहले तक, लेकिन अब मुझे लगने लगा कि ये शो लिटिल बिट वल्गर। जेठालाल का बबीता के लिए बिहेवियर एज कम्पेयर टू दया, वो तो कुछ और ही है। जेठालाल यूज टू कॉल दया पागल, डोबी, सातवी फेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पागल औरत, तुझे अक्कल है? तू क्या बोल रही है? अक्कल है? मैंने बोला था गोला खाने के लिए। चुप हो जा सातवी फेल, चुप हो जा। वहीं जेठालाल सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद बबीता का इंतजार करता है उसे देखने के लिए। यहाँ जेठालाल शादीशुदा है और उसे एक बच्चा है, वहीं दूसरी तरफ बबीता भी मैरिड है। और जेठालाल का एक फ्लर्टफुल क्रीप और एक ऐसा नेचर फॉर अ मैरिड वुमन इज लिटिल बिट ऑकवर्ड। मैचिंग मैचिंग ब्लू ब्लू, आज तो आप आइटम लग रहे जी। मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ पर स्ट्राइक से डरता हूँ। मैं खुल के मूवीज के नाम नहीं ले पा रहा हूँ, पर आप समझ गए होंगे कि मैं किन मूवीज को बोलना चाहता हूँ। आज की इस सोशल मीडिया की लाइफ में इवन एक पोस्ट से हर कोई इन्फ्लुएंस हो जाता है। ऐसे में ये मूवीज, ये डेली सोप्स, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को इतना नॉर्मलाइज करके कैसे दिखा सकते हैं? क्या इन्हें ये नहीं पता है कि ऐसी चीज़ों से, एक केस से शायद पूरा रिश्ता ख़राब हो सकता है, लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को, एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड्स को, इन चीज़ों को इतना नॉर्मलाइज करके कैसे दिखा सकते हैं? 200 करोड़ की आबादी से ज़्यादा वाला देश, क्या यहाँ 20 लाख लोग भी इन्फ्लुएंस नहीं होंगे? क्या वो अपने पार्टनर को लेके इनसिक्योर नहीं होंगे? पता नहीं कितनी ही सोसाइटी में ऐसे कितने जेठालाल घूम रहे होंगे। इफ यू हैव फीलिंग्स फॉर समवन, इट्स ओके टू एक्सप्रेस इट, पर यू शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट सामने वाले की फीलिंग्स, फिर वो चाहे हाँ हो या ना हो। इनकेस प्रोबेबिलिटी, एक लड़का एक लड़की को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है और वो लड़की नहीं राजी होती है, फिर उस लड़के को याद आता है कि अरे वहाँ लड़की की नाम में ही तो हाँ होती है, और वो उसके पीछे पड़ा रहता है, लेकिन फिर भी वो लड़की यहाँ नहीं मान रही है। उसके बाद धीरे 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 उस लड़के का सो कॉल्ड ईगो हर्ट हो जाता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लड़का उस लड़की के साथ कुछ गलत नहीं करेगा? अब ऐसा नहीं है कि ये वीडियो देखने के बाद कोई लड़की डीमोटिवेट हो जाए और किसी भी लड़के के साथ चली जाए या किसी भी लड़के के साथ भाग जाए, किसी भी अरे गहरे को हाँ कर दे। ये वीडियो सिर्फ एक सोसाइटी अवेयरनेस के लिए है, ये आपकी अवेयरनेस के लिए है, तो इसे वैसे ही देखें। हर इंसान की जजमेंट को, उसकी एडवाइस को, ओपिनियन की रिस्पेक्ट करें और ख़ुद को इतना समझदार बनाकर रखें कि आप मैच्योर बिहेव कर सकें। आप जेठालाल ना बने।